देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक राजधानी देहरादून में डेंगू के 240 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामलों की रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित की है और नगर निगम के साथ मिलकर सभी वार्डों में फॉगिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। बता दें कि मानसून के दौरान राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीज बढ़ने से दून अस्पताल में बेड की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को इलाज देने के उद्देश्य बेड बढ़ाए हैं। दूसरी ओर डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के मुताबिक अब तक देहरादून में 240 डेंगू मरीज पाए गए हैं। इनमें से 56 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को डेंगू के बेड आइसोलेट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दून अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 73 बेड आरक्षित किए गए हैं, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में मरीजों के इलाज के लिए 30 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड आरक्षित किए गए हैं। कल तक की रिपोर्ट के हिसाब से 240 मरीज हमारे जनपद में डेंगू के मिल चुके हैं, जिसमें से वर्तमान में 56 मरीज एक्टिव हैं, जिनका कि इलाज चल रहा है। बाकी मरीज हमारे ठीक होके अपने घरों पे जा चुके हैं वापस। जहाँ तक बेड की बात है तो सभी अस्पतालों में हमने डेंगू के लिए बेड को आइसोलेट किया हुआ है। जैसे दून मेडिकल कॉलेज है तो उसमें आज की डेट में 73 बेड हमारे डेंगू के लिए रिजर्व है। जिला अस्पताल में हमने 30 बेड रिजर्व किए हैं। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हमने बेड को रिजर्व किया हुआ है। इस समय इस बार कुछ बारिश ज़्यादा ही, मानसून कुछ ज़्यादा ही बरस रहे हैं जनपद में, तो उसके लिए पूर्व से ही सभी चिकित्सालयों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो जहाँ भी हमें कोई सूचना मिलती है, यहाँ कोई ऐसा होता है कि लोग अपने जल भराव के कारण या आपदा के कारण नहीं आ पा रहे, तो हम स्वास्थ्य मेडिकल टीम भेज के वहाँ पे उन लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।